हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैंगन आलू नए नए तरीके से, क्योंकि बैंगन आलू बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जाते हैं। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें हम मोटा मोटा इसको कूटेंगे, सिर्फ तीन चीज़ों को। और 1 kg हमने बैंगन लिए हैं, और ये हमारे प्याज, टमाटर और ये आलू हैं 1 kg, और 1 kg हमारे बैंगन हैं। इनको मैंने छिलका उतार लिया, अब इसको लंबाई में काटूंगी मैं। हरा धनिया है ये, इसको भी धो के काटना है हमें बारीक बारीक। बैंगन आलू नए तरीके से बनेंगे ये। पहले हम बैंगन को धो के अच्छी तरीके से, फिर इसको हम लंबाई में काटेंगे। और आलूओं को भी हमने धो के बारीक चार टुकड़े कर लिए थे, और कोई जो बैंगन बड़ा है तो हम उसके 3 टुकड़े पीस करेंगे लंबाई में, और छिलके समेत बनाएंगे। और हमने इसके एक बैंगन के 6 टुकड़े करे हैं ये लंबाई में। और इसी तरीके से हमने आलू भी काटे हैं, जो छोटे आलू थे उसके 4 पीस करें, और जो बड़े थे उनके 6 करें। अब हम ये 1 किलो हमारे आलू हैं ये, और 1 ही किलो हमारे ये बैंगन है। अगर आप चाहें तो आलू कम कर सकते हैं। ये मैंने मसाला बनाने के लिए तेल गरम, 2 जगह तेल गरम करा है मैंने। एक ये छोटी देगची में तेल गरम करा है मैंने, सरसों का 150 ग्राम तेल है ये हमारा। इसमें मैं आलू डाल के इसको मैं हम फ्राई करेंगे। तकरीबन हमको 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में, और इससे ये 70% गल भी जाएंगे इसी में ही तेल में ना। इसको हम फ्राई करके 10 10 मिनट तक, फिर उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, तो थोड़े लाइट लाइट ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हमारे आलू। देखें ये लाइट लाइट हो गए हमारे आलू, और तकरीबन ये 60 से 70% गल भी गए हैं ये इसी में 10 से 15 मिनट में। अब इसको निकाल के हम अलग कर लेंगे, और इसी तरीके से बैंगन को भी हम इसी तेल में फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट। इसको भी हमें फ्राई करना है बैंगनों को। बैंगन भी हमने धो के इसको लंबाई में काट लिया था। अगर आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और हमारे यहाँ आलू ज़्यादा खाए जाते हैं, बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मैं इसलिए आलू 1 kg रखे हैं, और 1 kg हमारे बैंगन ही है। और ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरीके से बैंगन, और इसको भी हम इसी तरीके से तेल में फ्राई करेंगे। सरसों का तेल है ये, आप अगर आपके घर में जो तेल यूज़ होता है डेली रूटीन में, तो आप उसी तेल में फ्राई कर लें। हमारे यहाँ सरसों का तेल भी यूज़ होता है, और कुकिंग ऑयल जो होता है अच्छा वाला वो भी यूज़ होता है, स्मार्ट कनोला वगैरह। और ये हमने सारे मसाले निकाले हैं, पिसा धनिया है, कुटी मिर्च, नमक और पिसा ज़ीरा है ये, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, 2 से 3 अदद छोटे पत्ते हैं, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें हमने कूटी हैं इसको इमामदस्ते में मोटा मोटा। और ये सरसों का तेल हमने गरम कर लिया 150 ग्राम, इसमें हमने ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा ये। तेल गरम करके मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था, इसलिए थोड़ा तेल ठंडा हो गया है ये, तो ज़रा थोड़ा फिर दोबारा गर्म होने में ज़रा 1 2 मिनट लगेंगे। वैसे मैंने ये इसको पहले ही से गरम करके रख लिया था तेल को। देखें अब ये हमने दो दो अदद दालचीनी और 2 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद पत्ते डाले हैं, और 1 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है ये। अब ये हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चें कुटी हुई डालेंगे मोटी, इसको भी हम तेल में हमने फ्राई कर लेंगे थोड़े 2 मिनट तक। फिर अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, ये प्याज हमारी 250 ग्राम है ये, इसको हम बिल्कुल लाइट लाइट करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करनी हमें प्याज को, लाइट ब्राउन करनी है। और ये मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा, बैंगन आलू बहुत मज़े के बनते हैं इस तरीके से भी। और बैंगन आलू पकाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, इसको मैं आपको हर तरीका आपसे शेयर करूँगी बारी बारी। अब ये हमने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं, ये 250 ग्राम टमाटर हैं हमारे, इसको मैंने बारीक बारीक काटा है ताकि ये अच्छे तरीके से मसाले में गल जाएंगे।
और हमारी प्याज भी हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करी, बस सफ़ेद माइल होनी चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी हमें प्याज। अब ये कुटी मिर्च हमारी 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी है और पिसा धनिया है 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये तमाम चीज़ें हमने मसाले में ऐड करके इसको मसाले को हम भूनेंगे उस वक्त तक जब तक तेल नज़र ना आ जाए हमें ऊपर। मैंने अब इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ हमारे बैंगन ब्राउन हो रहे हैं तेल में, ये दूसरी छोटी देगची में ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि देर हो रही थी पकाने की, इसलिए चाहें तो आप एक ही देगची में सब कुछ कर सकते हैं, मैंने अलग अलग कर लिया है कि जल्दी पकेंगे इस तरीके से। इधर मसाला भून रहा है और उधर हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं तेल में। अब देखें ये हमारे मसाला भून के तेल नज़र आ रहा था, अब मैंने इसमें वही आलू शामिल करे हैं जो मैंने तेल में फ्राई करे थे। और सब्ज़ियों में थोड़ा तेल ज़्यादा ही जाता है क्योंकि सब्ज़ियों में तेल वाली सब्ज़ी ज़्यादा मज़ेदार पकती है, थोड़ा सा आम खानों से थोड़ा तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए सब्ज़ियों में, इस सब्ज़ी का जायका और डबल हो जाता है इससे। यानी 150 ग्राम मैंने मसाले में लिया है तो 150 या 125 ग्राम मैंने फ्राई में लिया था तेल, तो वो भी जो तेल बचेगा वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी जो थोड़ा बहुत बचा है। ये देखिए मैंने बैंगन जो फ्राई करे थे ये तकरीबन ये गल गए हैं, ये देखें टूट गया ना ये बैंगन, तो ये तकरीबन बैंगन हमारे गल गए हैं, इक्का दुक्का रह गए हैं, तो वो भी अब इसी में ही गलेंगे मसाले में। अब हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैंने साबुत हरी मिर्चें भी डाली हैं, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने डाल दी थी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और कवर कर दूँगी ताकि मसाले में जो कसर थोड़ी बहुत रह गई है और आलू में बैंगन में जो 60 से 70% गल चुके थे ये मज़ीद और इसी मसाले में गल जाएंगे अब जो हमने आलू और बैंगन फ्राई करे थे। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करके तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा और गलाया है मैंने। और बिल्कुल एहतियात से चलाना है क्योंकि बैंगन ना टूटे, थोड़े गलने चाहिए बैंगन और टूटे ना, ये मिक्स ना हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा ये खाने में। अब ये बैंगन भी हमारे गल गए अच्छी तरीके से और आलू भी। अब मैंने इसमें हरा धनिया ऊपर से डाला है थोड़ा सा और बाकी मैं डिश में डालूंगी, थोड़ा बचा लिया है हरा धनिया। अब इसको कवर कर दिया हमने 15 से 20 मिनट बाद, देखें अब ये बिल्कुल गल गए हैं, ये आलू भी गल गए हैं ये हमारे और बैंगन भी, और तेल भी नज़र आ रहा है इसका अलग, ये देखें। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं ये, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसको चावल के साथ, पराठे के साथ और रोटी के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़े के लगते हैं खाने में बैंगन आलू और सब्ज़ियां। तो खाना हमारी सेहत के लिए, बहुत से लोग बैंगन नहीं पसंद करते हैं मगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे बैंगन। जो नहीं भी खाता है ना तो वो भी शौक़ से खाएगा। खैर हमारे यहाँ तो हर तरीके से बैंगन पकाए जाते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सब्ज़ी पसंद नहीं है तो वो इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनको बहुत पसंद आएगी। और ये चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं और इन्जॉय करें और ये बहुत मज़े के लगते हैं। आज मैंने मिट्टी की प्लेट में निकाला है क्योंकि हमारी एक बेटी जो है छोटी वाली वो इसी मिट्टी की प्लेट में खाना खाती है और पानी भी मिट्टी के गिलास में पीती हैं, और छोटी सी उन्होंने अपनी सुराई मटकैया लेके रखी है उसी में पानी पीती हैं ये, और मुझे भी उसका पानी बहुत पसंद है सुराई का। देखें कितने अच्छा लुक आया और खाने में भी ये उतने ही मज़े गए जितने ये नज़र आ रहे हैं कैमरे में। और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा बैंगन आलू को, ये नए स्टाइल से बनाए हैं मैंने बैंगन आलू। इससे पहले भी 2 दफ़ा रेसिपी दी है मैंने बैंगन आलू की, वो अलग मेथड था उसका, इसका अलग है। और हर मेथड से अपना अपना जायका, अपना अपना एक लुक होता है ये, वो मज़े के लगते हैं बहुत।
और मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करा है, सब्ज़ियों में पानी नहीं जाता। और अगर आप ग्रेवी करना चाहें तो गर्म पानी करके अलग से डाल सकते हैं। हम लोग पराठे से और रोटी से इसको ऐसे ही खाएंगे, और सफ़ेद चावल से भी खाएं तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मज़े के लगते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल मिक्स प्लेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपने दोस्तों से भी शेयर और सब्सक्राइब करवाएं प्लीज़। और ये देखें, ये छोटी सी इनकी मटकी है, इससे ही पानी पीती हैं ये हमारी लड़की, प्याले में पानी पीती हैं ये, और गिलास से इनका एक मटकी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।